ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस दैनिक राशिफल वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताएंगे आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या क्या योग बनने वाले हैं और किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। दोस्तों आज सूर्य उदय होंगे, सुबह 7:13 पर सूर्य अस्त होंगे, शाम 6:02 पर। सूर्य आज मकर राशि पर संचार करेंगे, वहीं चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेंगे। आज का शुभ समय है 12:16 से 12:59 तक रहेगा। आज का राहु काल समय है 8:34 से लेकर 9:56 तक रहेगा। इस अवधि में शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। दूसरों से सहयोग की उम्मीद ना करके अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें, इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे तथा जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें। कुछ नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। आज कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद भी रहेंगे। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए सफलतादायक समय है, इसलिए एकाग्र रहें। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य व आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लें, इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। कोई रुके हुए या उधार दिए हुए पैसे की वसूली संभव है। आपके कार्य प्रणाली से लोग कुछ विपरीत धारणा रख सकते हैं, इसलिए लोगों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें, सफलता तो अवश्यंभावी है। संबंधों में गिले शिकवे चल रहे हैं तो अपनी दूर करने का अनुकूल समय है। अगर प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त की कोई योजना चल रही है तो उसे संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। किसी समारोह में भी जाने का अवसर मिलेगा। आज आपकी सूझबूझ से कोई समस्या हल होने वाली है। किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। कोई बंटवारे संबंधी गतिविधि चल रही है तो किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। कोई धार्मिक प्रोग्राम भी बन सकता है। किसी योजना पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। प्रभावशाली लोगों के साथ मुलाकात के अवसर बनेंगे और भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। संतान की किसी सफलता से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। आज किसी भविष्य संबंधी योजना पर विचार होगा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद दिन रहेगा। अपने संपर्क सूत्र को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि यह संपर्क आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन व सहयोग बना रहेगा, जिस वजह से किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका मनोबल और आत्मविश्वास बना रहेगा। विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रुचि बनी रहेगी। आज आप आराम के मूड में रहेंगे और दोस्तों तथा मनोरंजन में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। आप अपनी योग्यता द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि फायदेमंद भी साबित होंगे। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। दिन की शुरुआत में समस्या आ सकती है, लेकिन अनुभवी और बेडिडे लोगों के सानिध्य और मार्गदर्शन से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक बदलाव होगा। मुश्किल समय को भी आप सहज तरीके से अनुकूल बना लेंगे। रिश्तों को सहेज कर रखना जरूरी है, किसी भी तरह के बहस की स्थिति में ना पड़े। यह समय शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कोई बड़ी दुविधा हल हो जाएगी। मानसिक सुकून रहेगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की उत्तम संभावना है। किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। कोई प्रॉपर्टी के खरीद विरोध संबंधी कार्यवाही चल रही है तो ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद नहीं है। नजदीकी संबंधों के साथ चल रहे गिले शिकवे दूर करने का अनुकूल समय है। दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह ना दें, कोई मुसीबत अचानक की खड़ी हो सकती है। आपकी अनुशासित और व्यवस्थित दिनचर्या आपके के कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी। स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो इसे कार्य रूप देने का उत्तम समय है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं, अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने में ज्यादा सोच विचार करने में समय न लगाएं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्त
आपके लिए मान हानि का कारण बनेंगे। उनसे दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक है। गुस्से और आवेश से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से इसका असर आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अपने कारोबार की योजनाएं सीक्रेट रखें। आलस छोड़कर काम करने का समय है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी रहेगी। ध्यान रखें कि वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब भी हो सकते हैं। किसी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, परंतु परेशान ना हो, जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। धैर्य और शांति से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते जाएं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में गुस्सा या आवेश में आना उचित नहीं है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर अवश्य अमल करें। अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक बनाकर रखें। व्यवसाय में अभी किसी भी नई योजना अथवा कार्य को अंजाम देने का अनुकूल समय नहीं है। अपने वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु चिंता ना करें, समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में अभी किसी भी नई योजना अथवा कार्य को अंजाम देने का अनुकूल समय नहीं है। अपने वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु चिंता ना करें, समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें। कारोबारी दृष्टि से लाभकारी समय चल रहा है। कार्य क्षेत्र पर अधिक से अधिक समय दें। इस समय बिजनेस में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव भी लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब न करें। फाइनेंस संबंधी मामलों में किसी पर ज्यादा विश्वास न करें। इस समय आर्थिक कशमकश रह सकती है। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य तथा आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है। संयम और धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। अपने व्यवसायिक संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, परंतु लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें तथा साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। नौकरी में मनोवांछित प्रोजेक्ट मिलने से खुशी महसूस होगी। व्यवस्थित और डिसिप्लिन दिनचर्या रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से दिन की शुरुआत में कुछ परेशानी और व्यवधान महसूस हो सकती है, लेकिन जल्दी ही समस्या का हल भी निकल आएगा, इसलिए चिंता ना करें। किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े। व्यवसायिक गतिविधियां मध्यम रहेगी और आप व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जरूरत के मुताबिक आपके काम बन जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में जी तोड़ मेहनत करनी होगी। व्यवसाय में ग्रोथ लाने के लिए आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग फायदेमंद साबित होंगे। इस समय पार्टनरशिप संबंधी योजना बन रही है, तो कुछ समय के लिए उसे स्थगित रखें। सरकारी नौकरी में पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह का जोखिम ना लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अन्य गतिविधियों के साथ साथ घर में भी समय देने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। शाम को कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बन सकता है। घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम प्रसंगों के साथ साथ अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें। घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आपका प्रयास कामयाब रहेगा। बच्चे भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और अनुशासित बनाकर रखेंगे। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान खुशी देगा। अपने लव पार्टनर से मिलने का मौका भी मिलेगा। पति पत्नी में आपसी सहयोगात्मक रवैया संबंधों को मजबूत करेगा। साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी। अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ थकान रहेगी। उचित आराम ले और अपने मन मुताबिक रुचियों पर भी समय दे। नसों में खिंचाव तथा दर्द से परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहे, वरना समस्या बढ़ भी सकती है। शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है। अपना उचित इलाज लेना आवश्यक है। आहार में आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा सेवन करें। कफ, खांसी और गले में इन्फेक्शन महसूस हो सकता है। तुरंत इलाज लेना जरूरी है। बदन दर्द व जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान करेगी। आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। योगा,
मेडिटेशन से आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्त, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।